गांव गरीब और किसान के नाम रहा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट। 2022 तक गांव के हर परिवार को बिजली। बजट में 2022 तक हर परिवार को एलपीजी कनेक्शन, सभी को घर देने का ऐलान। पीएम आवास योजना के तहत बजट में बड़ा ऐलान, गांव में बनाए जाएंगे 1,95,00,000 नए घर। बजट में ग्राम सड़क योजना का आवंटन 19,000 करोड़ किया गया, मनरेगा का बजट बढ़ाकर 60,000 करोड़ करने का प्रस्ताव। बजट को पीएम मोदी ने बताया न्यू इंडिया के निर्माण की अहम कड़ी, कहा बजट से गरीबों को मिलेगा बल, युवाओं को बेहतर कल। बजट में गरीब महिलाओं को बड़ा तोहफा, जनधन अकाउंट में मिलेगी 5,000 रूपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा। उद्यमियों के लिए सरकार खोलेगी ऑनलाइन पोर्टल, 59 मिनट में दिया जाएगा 1 करोड़ रूपये तक का लोन। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अब पैन जरूरी नहीं, सिर्फ आधार कार्ड होने पर भी कर सकेंगे आईटीआर फाइल। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, पिछले साल बजट में किया गया था बदलाव। घर खरीदने वालों को बजट में राहत, ब्याज पर मिलेगी 3.5 लाख की टैक्स छूट। बजट में इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा, खरीदने पर ब्याज में मिलेगी 1.5 लाख की टैक्स छूट। ज्यादा कमाई वालों को देना होगा ज्यादा टैक्स, 2 से 3 करोड़ की कमाई पर 3% अतिरिक्त टैक्स, 5 करोड़ से ज्यादा आय पर 7% लगेगा सरचार्ज। कैशलेस इकोनॉमी के लिए बजट में बड़ा ऐलान, साल में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा अकाउंट से निकालने पर कटेगा 2% टीडीएस। डिजिटल और कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बजट में बड़ा ऐलान, 50 करोड़ या ज्यादा टर्नओवर पर कारोबारियों को ग्राहक से डिजिटल पेमेंट पर नहीं देना होगा चार्ज। पीएम मोदी आज वाराणसी जाएंगे, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काशी दौरा, पीएम के गुजरने वाले रास्तों को पोस्टर और झंडे से सजाया। मोदी बीजेपी के देशव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे, इसके अलावा कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी आज पटना की अदालत में पेश होंगे, रैली में सभी मोदियों पर साधा निशाना, सुशील मोदी ने दायर की थी याचिका। गुजरात राज्यसभा चुनाव में विदेश मंत्री एस जयशंकर और जेएम ठाकुर चुने गए, कांग्रेस को नहीं मिली एक भी सीट। 1993 मुंबई धमाकों के गुनहगार दाऊद इब्राहिम पर बड़ा खुलासा, खुफिया एजेंसियों को दाऊद इब्राहिम की हाल ही की एक तस्वीर। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में हिंसा, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। हैदराबाद में एआईएमआईएम का मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रदर्शन, ओवैसी ने कहा तेलंगाना में बीजेपी को रोकना है। सूरत में मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैस का इस्तेमाल भी किया। पंजाब के लुधियाना में एक ऐसा गांव जहां मुस्लिम नहीं, मस्जिद में हिंदू युवक करते हैं सेवा, हर साल सिख और हिंदू परिवार लगाते हैं लंगर। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र ट्रिपल तलाक की पढ़ाई करेंगे, ट्रिपल तलाक को समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया गया।